हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज अभिषेक, वेलकम टू होय। उम्मीद आप लोग सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो आप लोगों की ज़िंदगी को खुशियों से सराबोर कर देता होगा। बहरहाल फटाक से ब्लॉग शुरू करते हैं। एज यू ऑल अवेयर, दोज हु वॉच माई ब्लॉग्स दे नो दैट आई हैव बीन शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस एंड न्यू प्लेस। सो अभी क्या हम लोग शिफ्ट हुए तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, डेढ़ दो महीने तो हमें सेटअप करने में लग जाएगा, चीज़ों को सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। बाकी इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू एयर कंडीशनर, सो आई हैव अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज वेन एवर आई बाई समथिंग आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च देन आई पिक समथिंग। बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए मैं दिखाने वाला हूँ, इसकी भी अनबॉक्सिंग होगी और विस्की ने दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया है, तो फटाक से मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा एयर कंडीशनर का ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि एसी हम लोग इस विंडो पर लगा रहे हैं और हमने सोचा था कि पहले उस वाले कमरे में लगाएंगे, बट इसमें तो नहीं लगा रहे। और हमने फिर यहाँ के भी सोचा था पर ये ज़्यादा लिविंग एरिया में लगाने का मतलब बन नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कमरे में सो रहे होते हैं, तो हम लोग इसी में लगा रहे हैं। तो भैया आ गए हैं सुबह सुबह ही हमारे पास। भैया कितना टाइम हो रहा है अभी? सात बजकर 38 मिनट पर काम शुरू हो रहा है। हम देखेंगे इंस्टॉलेशन में कितना वक्त लग रहा है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो टिके रहिए इस ब्लॉग के एंड तक और देखते रहिए अभी। अब छोड़ दो ना, करने दो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग जो है शुरू होगी। ये हो चुकी है इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारी एसी। भैया चढ़ चुके हैं ऊपर, ये यहाँ पर खिड़की निकालने का काम शुरू हो चुका है। तो क्योंकि ये एक विंडो एसी है तो इसमें क्या होता है, ये विंडो पूरी निकलेगी, ऊपर का जो पूरा रोशनदान टाइप का होता है पूरा निकलेगा और इसका काम शुरू हो चुका है। रोशनदान का जो शीशा है वो निकल गया है। एसी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है मेरी, बताई देता हूँ, 1.5 टन की एसी है, एलजी की एसी है, क्योंकि मेरे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे मैं एलजी के ही लेता हूँ क्योंकि उस ब्रांड में मेरा ट्रस्ट है और मुझे सर्विस बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जितने भी मेरे पास अप्लायंसेज हैं वो एलजी के ही हों, तो इसलिए मैंने उसमें कोई कोताही नहीं बरती और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जो बाद में मुझे थोड़ा सा दिक्कत करे, इसलिए मैं बेस्ट में ही बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा ले लो बेस्ट ही ले लो। कितने टन का एसी है उसी हिसाब से लाइट पे इम्प्रूव रहता है कि अगर 1.5 टन का होगा तो लाइट आपकी 1.5 टन के हिसाब से लेगा, 1 टन का होगा तो 1 टन के हिसाब से लाइट देगा, लेकिन उसकी कूलिंग में भी फर्क होता है। 1 टन की जो है वो स्लो है, 10x10 के कमरे को करेगा, ये 16x18x20 के कमरे को कर सकता है। तो टन जितना ज्यादा टन होएगा उतना ज्यादा एसी का जो एरिया है कवर करने का ठंडा करने का वो बढ़ता चला जाता है। में तीन तरह के ऑप्शन है हमारे एलजी में, एलजी में जैसे कि हम इसको तीन भागों में बना सकते हैं, 1 टन भी कर सकते हैं इसको और 1.5 टन भी कर सकते हैं और इसको 1 टन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको कम बढ़ती कर सकते हैं, कम बढ़ती कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 1.5 टन के हिसाब से रूम ठंडा हो चुका है तो हम इसको 1 टन पे भी लाकर डाल सकते हैं और उससे ज्यादा कम करना है तो हम इसे 1 टन पे भी कर सकते हैं। ओके जी, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि टन का क्या डिफरेंस होता है, ये इससे ये फर्क पड़ जाता है कि कितनी जगह को वो ठंडा करेगा। तो एक बार मैं आप लोगों को एसी का चारों तरफ का वॉक अराउंड करा देता हूँ। यह है एसी का पिछला हिस्सा, आप देखें तो ये पीछे पूरी जाली है, कॉइल सी लगी हुई है पूरी, ठीक है, ये पूरा एकदम कॉइलिंग है पीछे की तरफ, ठीक है, ये इसकी साइड प्रोफाइल हो गई, ठीक है, इसमें लिखा हुआ 24 डिग्री, कुछ ब्रांडिंग सी हुई है यहाँ पे, वार्निंग कुछ साइन है, वार्निंग का साइन देख लिया मैंने, वो देख लिया ये इसका एक शायद ये फ्रंट हिस्सा है, ये इसकी यहाँ पर हमारे अनस भाई हैं, ये यहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं इसके बोर्ड से, ये एसी की शायद इनिशियल प्रोसेस हो, शायद हर जगह करते हैं, ये एसी का पहला साउंड, ये फ्रंट है एसी का कवर, जगह से आपकी कूलिंग आएगी ना, इस जगह से कूलिंग आएगी। कैसे एसी, सही एसी है, ओके okay, कैसी है? तो भैया के अनुसार जो इस टाइम ये कंपनी ने नया लॉन्च कराया है इन्वर्टर में, हाँ हाँ, बहुत अच्छा एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, और कूलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, हाँ। कि भैया ना पहले ना लेट आ रहे थे थोड़ा, सेकंड हाफ के आसपास आ रहे थे, लेकिन मतलब भैया कि आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे टाइम पूछा किस टाइम,
तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू कम इन द मॉर्निंग इट्स लाइक द फर्स्ट हाफ इज अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड ही समहाउ मैनेज टू कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट और काफ़ी सुबह सुबह कर रहे हैं तो चाय भी नहीं पी गए हम लोग चाय पी रहे हैं पहले उसके बाद फिर हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं तो जुड़े रहेगा इस ब्लॉग के एंड इसी के अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कूल 4-in-1 फैन क्लीन फिल्टर स्लीप टाइमर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हर एसी में आते हैं वो मुझे लगता है टाइमर या फिर स्लीप जो भी इनमें मोड लगा दो एसी ऑटो कट हो जाता है ये इसकी खास बात है ये यहाँ पर एलजी की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है 3 स्टार है हालांकि पहले मैं 5 स्टार के लिए जा रहा था लेकिन 5 स्टार में क्या आपको सिर्फ वाईफाई का ऑप्शन मिलता है बाकी सब कुछ सेम ही रहता है हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है पर थोड़ा सा उसके 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा था तो मुझे लगा कि देने की कोई ज़रूरत है नहीं तो मुझे ये मिड रेंज में था तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर थोड़े से ये इन्फो शीट में आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर आपको ये एंगल्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको एंगल मिल जाते हैं तो 2 हैं इसमें आप किधर भी कर सकते हैं तो ये फिटिंग की प्रोसेस जो शुरू हो गई है पहले इसके पैनल्स हैं वो लगेंगे कुछ वहाँ पर साइड पैनल्स हैं जो उसके लिए यहाँ पर अनस ये स्क्रूज खोल रहा है अलग हो गई है और ये मेन एसी आपके ये लगेगा आपका पहले पैनल और इसमें एसी फिट की जाएगी अगर मैं इंटरनली दिखाऊं तो यहाँ पर ये कॉपर यहाँ पर कुछ मदरबोर्ड के साथ यहाँ पर इसका फिटिंग चेक करते हुए भैया तो जिनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि बड़ी एसी बाहर कैसे रुकी रहती है तो वो नट के थ्रू रुक रहती है अगर आप यहाँ पे देखो तो भैया ये बहुत सारे नट लगा रहे हैं इसके साथ में तो इसका मेन पैनल है यहाँ पे नट लग रहे हैं साइड में पूरे में तो इन्हीं नट्स के की वजह से ये एसी जो पूरे में टिकी रहती है और इसमें बहुत सारे नट लग रहे हैं ऐसे नहीं कि एक दो बहुत सारे नट लग रहे हैं चारों तरफ ताकि टिकी रहे जाली निकली ये जो है इसकी ग्रिल लग रही है यहाँ पे ठीक है पहले इसको कैबिनेट को जाम किया जाता है ये मशीन को बाहर निकाल के पहले खोल के इसको मशीन को फिर उसके बाद में पहले कैबिनेट फिट किया जाता है कैबिनेट फिट करने के बाद में मशीन को उठा के अंदर की तरफ डाला जाता है अच्छा मेन मशीन जो गई है जी जी हाँ अब देखिए मैं इसको यहाँ पे एक पिन आती है और जो यहाँ पे इसको पहले कनेक्ट करना होता है पिन को इस तरीके से फिर इसको पिन को कनेक्ट करने के बाद में फिर ग्रिल को लगाया जाता है ठीक है एक साइड से बैठ चुकी है अब आपकी इधर से बैठ गई फिर इसको हमें एक तरफ से देखना है कि इधर से हमको इसको बैठाना पड़ेगा साइड से ठीक है ये आपका इधर से बैठ चुका है फिर उधर से हमें देखना है कि मतलब कोई हमारा लॉक ना टूट जाए उसका लॉक का अक्सर ज्यादा ध्यान रखना है हमें जो इसके अंदर लॉक होते हैं जो फंसते हैं फिर यहाँ पे इसको हल्का सा दबा के इसको भी मतलब दबा के फिट किया जाता है हमारा अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ क्योंकि फिल्टर हमने नीचे रख दिया था और हमारा अब यहाँ पे इसको इस तरीके से फिल्टर को लगाया जाता है ठीक है तो हमारा फिल्टर लग चुका है अब बसता है हमारा इसके आगे का ढक्कन फ्रंट जी अब इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये हमारा इस तरीके से लग जाता है कोई मदद करती है यहाँ पे इसको हम फिट कर देंगे पानी की तरफ यहाँ पे एक सुराग है यहाँ से पानी निकलता है लपेट दियो पानी पर ये पानी की जो ट्रे भैया अभी बता रहे थे वो लग रही है उसके नट कस रहे हैं देखिए डोल इन्वर्टर एसी है ये बहुत अच्छा एसी बनाया है और इसकी कूलिंग भी इतनी लाजवाब है कि बहुत अच्छी यानी कि सब एसीओ से ज़्यादा कूलिंग अच्छी करता है ये और इसके अंदर तीन तरह के फ़ायदे सर कौन कौन से हैं आप एक बार देख लीजिए यहाँ से सर हमारा ऑन ऑफ होता है इसको दबाते हैं तो हमारा ऑन ऑफ होता है इससे हम करते हैं तो टेम्परेचर डाउन और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होता है जैसे कि देख रहे हैं टेम्परेचर हमारा 20 पे चल रहा है और हमारी गर्मी कुछ ज़्यादा है तो हम 18-20 पे इसको नीचे ला सकते हैं ठीक है सर अगर मौसम नॉर्मल है तो हम इसको 24 पे ले जा सकते हैं 24 पे चलाएंगे तो 24 पे भी आपकी कूलिंग करेगा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दे रखा है अगर हम इसको दबाते हैं तो सर देखना है कि आपका 1.5 टन एसी चल रहा है 1.5 टन पे चल रहा है
लगता है कि हमारा रूम ठंडा हो चुका है डेढ़ टन पे से, तो हम इसको एक टन पे लेकर आ जाएंगे। तो ये देखना कि हम एक टन पे ले आए इसको 60, यहाँ पे लिखा 60 मतलब एक टन साइड पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे एक टन का एसी बन चुका है। ठीक है सर, अगर हमें लगता है कि एक टन अभी भी कुछ ज्यादा है, कूलिंग कुछ ज्यादा कर रहा है, तो हम सर इसको जो है पॉन टन पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा आ रहा है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉन टन बन, बरसात के समय में इसको ड्राइव को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बरसात जब होती है तो हम इसको तब यूज करते हैं ड्राइव को। ठीक है सर, जो चालू हो चुकी है, अभी सेट हो गया है यहाँ पर। और अब हमारी बारी आ गई है थोड़ा सा रिमोट को दिखाने की। जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो ये हमने इसको अनबॉक्स करा, इसके अंदर है कुछ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर ये एसी का मैनुअल है जो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि कैसे क्या टेक केयर करनी होती है, और ये इंफॉर्मेशन गाइड आप बोल सकते हो हल्की सी एसी से रिलेटेड ही है। तो मैं चलूँगा, ये इसका रिमोट है और ये मेरा विस्की है जो कि एसी में पढ़ते ही सो गया। ये देखो टाइम, मैं भी सो जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया। और मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।